एक जनप्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति कितना जागरूक हो सकता है, इसका उदाहरण यानी रामभाऊ है। एक एक विषय को चुन चुन कर उसका फॉलोअप करना। कई बार हम लोग एक विषय उठाते हैं उसको भूल जाते हैं, रामभाऊ ने ऐसा कभी नहीं किया। रामभाऊ उस विषय का पूरा पीछा करके जब तक वो विषय सॉल्व नहीं होता तब तक संघर्ष करते रहते, और कई प्रकार के विषय उन्होंने कुष्ठ रोगियों के बारे में बताया, हमारे मच्छीमारों के बारे में जो हमारे प्रोजेक्ट अफेक्टेड है उनके बारे में कई कायदे कानून नियम इसलिए बने कि रामभाऊ ने उनको सामने रखकर और उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया, तो उस ग्रुप को तो फायदा हुआ लेकिन उससे नियम बने, कानून बने, कायदे बने जिससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। रामभाऊ का ये जो चरैवेती में उनका जीवन अगर हम देखेंगे तो एक बड़ा संघर्ष से तैयार हुआ जीवन है। किस प्रकार से मुंबई आए, एक गैरेज जैसी खोली में रहे, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, खाने के भी लाले थे, रहने के भी लाले थे। एक समय तो ऐसा था कि नहाने की जगह नहीं, शौचालय की जगह नहीं, ऐसे सारे बैकग्राउंड में रहते हुए भी संघर्ष से पढ़ाई की। पढ़ाई करते समय पढ़ाई करने को पैसा नहीं है इसलिए दो पैसे कमाने की कोशिश की, ऐसी सारी बिल्कुल संघर्ष से जीवन खड़ा करते हुए। और रामभाऊ ने उसी समय फैसला किया कि देश के लिए मुझे काम करना है, राष्ट्रहित में काम करना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, जनसंघ हो, एक इस प्रकार से उन्होंने अपने कार्य को प्रारंभ करते हुए अपना पूरा जीवन ये समाज को समर्पित किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो एक चरैवेती में जो हम लोगों को सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, ये बड़ी रोमांचित करने वाली चीज़ें हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में किस किस प्रकार से सामान्य से असामान्य बनता है, कॉमन मैन किस प्रकार से अनकॉमन बनता है, बड़ा बनता है, ये हमको इसमें से पढ़ने को मिलता है और आम आदमी को इसमें से एक प्रेरणा मिलती है।